हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दरबारी चिकन कीमा, जिसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप चिकन कीमा, 1 कप बारीक कटा हुआ टमाटर, आधा कप शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 कप प्याज बारीक कटा हुआ, 1/2 कप धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, 1 कप पनीर क्यूब में कटा हुआ, 1/2 कप मटर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा। एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे जीरा, बारीक कटी हुई प्याज, इसे लाल होने देंगे। हमारा प्याज लाल हो रहा है, अब इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, इसमें डालेंगे चिकन कीमा, इसमें डालेंगे टमाटर, इसमें डालेंगे सारे मसाले, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, नमक, हरी मटर, इन सबको मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसे ढककर पकने देंगे 5 मिनट के लिए। हमारा कीमा तैयार है। अब उसमें धनिया पत्ती डालेंगे, हमने कीमे को उतार लिया है। अब एक पैन में पनीर को फ्राई करेंगे। हमारे पनीर फ्राई हो चुके हैं, इसे हम कीमे में डाल देंगे।
से मिक्स कर देंगे। अब इसे सर्व करेंगे। हमारा दरबारी चिकन कीमा तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।